नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन और आज हम जानेंगे दिल्ली के ऑडिशन के बारे में। बेसिकली 31 तारीख को दिल्ली में ऑडिशन है, किस जगह है वो सबसे पहले देख लीजिए। बहुत सारे लोग तो ये बोल रहे थे कि भाई ऑडिशन होगा भी या नहीं होगा, उनके लिए भी ये वीडियो है। साथ ही साथ जानेंगे किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं और जो लोग देहरादून ऑडिशन देने गए थे उनके साथ क्या हुआ, ये सब कुछ आज हम जानने वाले हैं। वीडियो सुबह सुबह इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज भाई अपडेट ही कुछ ऐसी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए, मैंने खोला हुआ है ऑफिशियल, सोनी टीवी ऑफिशियल खोला हुआ है और मैं आपसे बहुत बार बोलता आ रहा हूँ कि सोनी टीवी ऑफिशियल को फॉलो करके रखेंगे तो आपको सभी अपडेट्स मिल जाएंगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको सोनी टीवी पे नहीं मिलती, पर आपको मैं ये श्योर करा देता हूँ कि भाई दिल्ली में ऑडिशन होंगे। आप इधर देखिए, इधर इन्होंने स्टोरी डाली हुई है दिल्ली ग्राउंड ऑडिशन 3 days ओनली, और एक कल की स्टोरी है। इससे हमें पता चलता है भाई दिल्ली में तो ऑडिशन डेफिनेटली होने वाले हैं। और एक ये डाला इन्होंने कि आ रहे हैं हम दिल्ली, लेकिन एड्रेस इन्होंने नहीं दिया। अब बात करते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे एक मेंबर, मतलब सभी मेंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, पर किसी ने भेजा है अपना जितना भी रिसर्च करके पता लगाया है तो उन्होंने देखा है कि भाई टीवी पे दिखा रहा था, तो वही एड्रेस मैं आपको दिखाऊंगा। और ये ऑफिशियली है बिल्कुल, यानी कि जेन्युइन है, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये टेलीविजन से लिया गया स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। और ये स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर ने किसी ने भेजा है, बाकी जिसने भी भेजा है वो मुझे कमेंट कर सकता है, उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। आप इधर देखिए, दिल्ली 31 जुलाई, और इधर जो एड्रेस है वो आप देखिए, त्यागराज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, गेट नंबर 3B, त्यागराज नगर, नियर INA न्यू दिल्ली, और पिन कोड है 11003। तो ये है गाइज ऑफिशियली जो हमने देखा विद प्रूफ के साथ। वैसे तो उस ग्रुप में बहुत पहले से ही अपडेट आ गई थी, लेकिन कन्फर्मेशन के लिए मैंने वो डाला नहीं क्योंकि भाई वो हो सकता है गलत। लेकिन जब इस तरह के स्क्रीनशॉट्स आते हैं तो फिर उससे पता चल जाता है कि भाई ये ऑफिशियली है। तो ये आप देख सकते हैं, फिर से आपको एड्रेस बता देता हूँ, त्यागराज स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और गेट नंबर 3B, त्यागराज नगर, नियर INA नियर न्यू दिल्ली, और पिन कोड है 11003। तो ये है गाइस ऑफिशियल एड्रेस। तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि भाई दिल्ली में ऑडिशन तो होने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि भाई जो लोग देहरादून में ऑडिशन देने गए उनके साथ क्या हुआ, कितना बुरा हुआ, कितना अच्छा हुआ, क्या हुआ बेसिकली। सबसे पहले जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे इस चैनल को ही पहली बार देख रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि भाई जो लोग दिल्ली में ऑडिशन देने जाएंगे इंडियन आइडल के, सबसे पहला आपकी एज 15 से 30 के बीच में होनी चाहिए। वहीं अगर आपकी एज 18 से नीचे है, यानी आप 15 के हैं, 16 के हैं, 17 के हैं, तब आपको अपने पेरेंट्स को लेकर जाना है क्योंकि कुछ जगहों पर साइन होंगे। आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा, वो वहीं पे दिया जाएगा जब आप दिल्ली में पहुंच जाएंगे। उस फॉर्म में आपको हर जगह साइन करना है, अपना पूरा फॉर्म प्रॉपर से फिल करना है। अगर आपकी एज 15, 16, 17 है तो फिर आपके पेरेंट्स के भी साइन होंगे, अदरवाइज आपकी एज 18 साल से ऊपर है तो फिर आपको इतना फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा जो फॉर्म भरना पड़ता है वो 18 से नीचे वालों को ही भरना पड़ता है। दूसरा, आपको 2 फोटो ले जाने हैं और एक आधार कार्ड ले जाना और कुछ भी नहीं ले जाना। और अपनी सेफ्टी के लिए आप पानी की बोतल, खाना वाना कुछ भी ले जा सकते हैं, लेकिन जो उधर मैंडेटरी है वो यही है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और 2 फोटो होने चाहिए तो आप ऑडिशन दे सकते हैं। कोशिश करना है कि भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंच जाओ, क्योंकि टोकन्स मिलते हैं उधर और टोकन्स मिलने से ही आपको आगे का प्रोसेस कराया जाएगा। टोकन पे जो नंबर लिखा रहता है उससे पता चलेगा कि भाई कितना टाइम आपको लगने वाला है। तो कोशिश करना है जल्दी से जल्दी जाने की और जल्दी से जल्दी टोकन लेने की। तो ये है कुछ बेसिक से अपडेट्स जो मैंने आपको बताई। अब देख लेते हैं लोगों का एक्सपीरियंस क्या है। इधर आप देख सकते हैं संजीव शाह लिखते हैं कि जो देहरादून 2022 का जो ऑडिशन हुआ था, इसमें एक लेडीज जज थी जो ऑडिशन ले रही थी, बहुत ही बकवास ऑडिशन था। अगर पहले से ही सिलेक्शन इन्होंने कर रखा है तो फिर ये ऑडिशन क्यों ले रहे हैं, ये ऐसा इनका मानना है। इन्होंने और भी बहुत सारे कमेंट्स किए थे, आप देख सकते हैं, बहुत ही गंदा था देहरादून में, ऑडिशन के नाम पर बैड बिहेवियर किया जा रहा था देहरादून के अंदर, 5 सेकंड का ही टाइम मिलता है। तो गाइज मैं भी आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई टाइम आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेगा, तो उसी हिसाब से आपको ऐसा गाना है कि भाई आपका सेकंड राउंड या सेकंड स्टेज तक आप जा सकें। तो कोशिश करना है कि भाई 30 सेकंड, 1 मिनट, इतना ही टाइम मिलता है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 10 सेकंड, 5 सेकंड मिलता है, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है।
ऐसा नहीं कि आप आपसे बोला जाए गाना सुनाओ, आप सुर लगाने में बिजी हो गए, इतने आपको बोला कि ठीक है जाओ। शुरुआत ही ऐसी करनी है कि दमदार, कि लगे कि हाँ भाई इसको चलो 2-3 मिनट या 1 मिनट से ऊपर सुनते हैं। तो ये चीज़ है भाई, ये सबके साथ ही हुआ है, आपके साथ नहीं, जो लोग देहरादून में गए हैं, सभी स्टेट्स में ऐसा हुआ है कि भाई टाइम कम मिला है, क्योंकि भीड़ बहुत है, लोग बहुत जाते हैं। दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल होने वाला है, इतना तो मुझे पता है, कम से कम 3,000 से ज़्यादा लोग आएंगे, तो आप देख लीजिए कि भाई एक बंदे को कितना टाइम देना चाहिए, ये जज भी समझते हैं। इधर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग अच्छा भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई सबका ही देहरादून में बेकार गया है। ये आप देख सकते हैं, यस सर ऑडिशन बहुत अच्छा था देहरादून में, जाने कितने लोग अपने सपनों को लेकर आए थे, उन्होंने सबको एक साथ रिजेक्ट किया। मैं पूछना चाहती हूँ ऐसा क्यों हुआ, लोगों की लाइफ के साथ मजाक क्यों किया गया। ये तो सॉरी नेगेटिव था, मुझे लगा अच्छा लिखा है, शुरुआत अच्छे से की थी लेकिन लास्ट में वो नेगेटिव चला गया। आगे चलिए और देखते हैं किसी ने कुछ अच्छा लिखा है देहरादून के बारे में या फिर नहीं। मोहली ऑडिशन में गए थे, कोई रिपोर्टर भी नहीं आया था, हम नाइट 3 AM पहुंच गए थे, मेरे पास वीडियो भी है वहां का, और फर्स्ट ग्रुप नंबर आया था, बट उन्होंने सारे ग्रुप को ही रिजेक्ट कर दिया, बस 100 में TRP बढ़ाने के लिए ये ऑडिशन लेते हैं। तो यार ये भी नेगेटिव है। तो भाई कमेंट से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देहरादून में किसी का भी अच्छा नहीं गया। तो बेसिकली ये सब देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई देहरादून वालों का कुछ भी खास गया नहीं। और ऐसा क्यों है ये तो भाई उनको ही पता होगा क्या रीज़न रहा होगा उधर। बाकी दिल्ली में क्या होता है, किस तरह से होता है, वो सभी अपडेट आपको देने वाला हूँ। और अगर आपने ऑनलाइन ऑडिशन के बारे में जानना है, क्योंकि ऑनलाइन ऑडिशन भी होने वाले हैं, मेरे हिसाब से ऑफिशियली नहीं आया कहीं भी, लेकिन मुझे लगता है कि भाई ऑनलाइन ऑडिशन भी 2-3 दिन होंगे। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं कि भाई कैसे होगा क्या है, तो ये वाली वीडियो जरूर देखिए। अगर आप फॉर्म फिलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे फॉर्म फिल करना है वो वाला, जब आप लाइन में लगोगे तब, तो ये वाली वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।